अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सब ये बहुत कुछ इस COVID-19 और वायरस के बारे में सुनते आ रहे हैं। सेकेंड हैंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है और कभी यकीन होता है कभी नहीं होता है। कहते हैं कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बहुत कम लोगों को हो रहा है और रिकवर भी कर रहे हैं। आज मेरा एक दोस्त IBA का मेरा क्लासमेट ही उसका COVID-19 से इंतकाल हो गया। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मोहम्मद आसिफ नाम था उसका। और मैं आपको स्पीड बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। 4 दिन पहले उसको खांसी हुई, बुखार नहीं था उसको। वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल गया, क्योंकि उसको बुखार नहीं था। उनका अभी सीरियस नहीं है, आप इसको मॉनिटर करें। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादातर अस्पताल में उसको बेड्स नहीं मिले। कोविड बेड्स अवेलेबल नहीं थे। वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आज अर्ली आवर्स में, और उसकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इतनी रैपिडली ड्रॉप हुई कि वो कुछ घंटे पहले वफात पा गए। ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा करीब किसी के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था, और अल्लाह ना करे कि पता चले। और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बहुत सीरियस है, मजाक नहीं है। ये कहना कि किस लेवल का होगा, कम भी हो सकता है, ठीक हो जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। ये बहुत एग्रेसिव भी है और नॉन एग्रेसिव भी है। ये आपकी इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है। प्लीज़ आप लोग सब बहुत ख्याल रखें। मेरा मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ मकसद ये था कि मुझे यकीन नहीं था कि समबडी दैट क्लोज वुड गेट अफेक्टेड एंड डाई, बट हैज हैपेंड। सो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।